अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंजर अली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तारीख में एक ऐसी जंग भी हुई है जो सिर्फ 40 मिनट तक जारी रही थी। 40 मिनट बाद ये जंग ख़त्म हो गई थी। इसको दुनिया की सबसे छोटी जंग कहा जाता है। यह जंग कहां पर हुई और किन दो ममालिक के दरमियान हुई, आपको इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ। यह जंग अफ्रीका में लड़ी गई थी। इस जंग का नाम है एंग्लो सेंजीबार। यह जंग एक जजीरे पर लड़ी गई थी और इस जजीरे का नाम है सेंजीबार, और यह जजीरा अफ्रीका से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। यह जजीरा ओमान के कब्जे में था। इस जजीरे पर ओमान की हुकूमत थी। बाद में इस जजीरे पर बरतानिया ने कब्जा कर लिया था। शुरू से ही इस जजीरे पर बरतानिया कब्जा करना चाहता था, और उस वक्त जो हुक्मरान था ओमान का, उसका नाम था सैद बिन सुल्तान। ये बहुत ही काबिल हुक्मरान था जो जजीरे के ऊपर हुक्मरानी करता था। जब ये हुक्मरान मर गया था तो बाद में इसके बेटों के दरमियान लड़ाई हो गई और ओमान के दो हिस्से हो गए। माजिद बिन जैद ने इस जजीरे पर हुक्मरानी शुरू कर दी और बरतानिया के साथ भी ताल्लुकात शुरू कर दिए। बरतानिया ने इस जजीरे पर तिजारत को बढ़ा दिया। उस वक्त इस जजीरे पर एक बहुत ही मशहूर कारोबार था। उस कारोबार का नाम था सलेफ मार्केट, मतलब वहां पर गुलामों को बेचा जाता था और गुलामों की खरीदो फरोख्त होती थी। यह कारोबार इस जजीरे पर बहुत ज्यादा मशहूर था और बहुत ज्यादा पैसा कमाया जाता था। वक्त गुजरता गया और इस जजीरे पर बहुत ज्यादा हुक्मरान तब्दील होते रहे। आखिर वो वक्त आ गया जब बरतानिया ने इस जजीरे पर कब्जा करने का फैसला कर लिया। फिर बरतानिया ने इस जजीरे के हुक्मरान को धमकी दी और मुल्क छोड़कर जाने को कहा। सेंजीबार के हुक्मरान ने बरतानिया की बात को मानने से इनकार कर दिया और जंग का ऐलान कर दिया। बरतानिया ने भी इस जजीरे को चारों तरफ घेर लिया और बमबारी शुरू कर दी, शैल को फेंकना शुरू कर दिया, और उस वक्त इस जजीरे पर बहुत ज्यादा जंग और लड़ाई शुरू हो गई। सेंजीबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और इस जंग पर टोटल 40 मिनट लगे। 40 मिनट बाद यह जंग खत्म हो गई। इसलिए इस जंग को दुनिया की सबसे छोटी जंग कहा जाता है जो फकत 40 मिनट बाद खत्म हो गई थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।